अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम गुज़र रहे हैं सगिया बाईपास ब्रिज से, आगे रिंग रोड के रास्ते कामरान की बारह दरी पहुँचेंगे, बाकी बात आपसे आगे जाकर करते हैं। आज हम इस वक्त मौजूद हैं दरियाए रावी के किनारे पर और हम विज़िट करने वाले हैं कामरान की बारह दरी। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल फैक्ट्स और जो मिथ्स हैं यहाँ से वो बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए आगे वीडियो की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कामरान की बारह दरी दरियाए रावी के बिल्कुल दरमियान में एक जज़ीरे की शक्ल पर मौजूद है। पहले ये इसके मगरबी किनारे पर हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ दरिया ने कोर्स बदला, सैलाब के रेले आए, तो इस वक्त ये एक जज़ीरे नमा शक्ल पर मौजूद है। इसको एक्सेस करने के लिए दरिया को क्रॉस करना पड़ता है। तो जनाब आ गए हैं कामरान की बारह दरी में, और आते ही सबसे पहले ये मंदिर देखने को मिला। क्या कमाल इस लड़के ने यहाँ पर महारत से क्रॉस किया, शानदार। तो दरियाए रावी के दरमियान में एक बाग, बाग के अंदर ये बारह दरी और आसपास चारों तरफ ग्रीनरी, दरिया की ठंडक। आगे आप खुद इमेजिन कर ले 500 साल पहले के नज़ारे। तो इस वक्त मैं बताता हूँ आपको कामरान मिर्ज़ा की बारह दरी के हवाले से चंद एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स। ये 1530 में बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की वफ़ात के बाद, जब कामरान मिर्ज़ा ने लाहौर पर कब्ज़ा किया और शहनशाह हुमायूं ने उनके कब्ज़े को तस्लीम किया तो और उनको लाहौर का गवर्नर बना दिया, तो उन्होंने यहाँ पर एक बाग लगवाया। उस बाग के लगवाने के बाद 1540 के अंदर उन्होंने यहाँ पर ये बारह दरी तामीर करवाई गई। इस बारह दरी के हवाले से ये बात बड़ी मशहूर है कि ये मुगलिया अहद की सबसे पहली इमारत है लाहौर के अंदर। इसके हवाले से चंद एक और हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी मौजूद हैं, वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। ये दरियाए रावी के मगरबी किनारे पर बनाई गई थी, जो कि उस वक्त दरियाए रावी बहुत बड़े एरिए पर बहता था और बादशाही मस्जिद और शाही किले की दीवारों को टच करता था। अब तो सुकड़ कर एक नाला रह गया है। तो बाकी मैं आपको इसके हवाले से आगे हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताता हूँ। इस वक्त हम एंटर हो चुके हैं बारह दरी। ये जो आप मनाजर देख रहे हैं ये बारह दरी के हैं। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ बारह दरी में, मुझे कुछ ऐसे भी दीवारों पर चीज़ें लिखी हुई नज़र आई जो कि दिल को बड़ी बुरी लगी। ये मुकद्दस का एक नाम लिखा हुआ है जी, मुकद्दस, ये आपके लिए लिखा है। और ये देखें दीवारों पर कितनी ज़्यादा
बुरे तरीके से दीवारों को ख़राब किया गया और अजीब अजीब से फिक्रे यहाँ पर लिखे गए हैं। और ये पान की पिचकारी, लोगों को समझना चाहिए कि ये कौमी विरसा है, इसकी हिफाजत करनी चाहिए और ऐसे इसको ख़राब नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी ज़रा स्ट्रिक्ट एक्शन इस हवाले से लेना चाहिए और इसकी रेनोवेशन की भी किसी हद तक ज़रूरत है। खैर ये अलग से बातें हैं, आपको इसका स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ। बिल्कुल ऊपर छत पे देखें आप इस पर जो काम किया गया है, और इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया कि ये गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा यहाँ से गुजरे। इसके 12 दरवाज़े भी इसी पर्पज़ के लिए बनाए गए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी हवा का, दरिया की ताज़ा हवा का यहाँ से फ्लो हो, जिसको मुग़ल ज़माने के बादशाह सेहतियाब हवा समझते थे। जब आप इसकी सेकंड फ्लोर पर जाते हैं तो वहाँ पर हवा का फ्लो और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और इन्होंने ये जो दरवाज़े छोड़े गए हैं इस स्टाइल से ये दालान वगैरह बनाए हैं और इस रुख में बनाए हैं कि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फ़्लो करती है। इसके बाद हम चलते हैं इसकी छत पर और छत से आपको मैं मनाजर दिखाता हूँ और इसके बाद चंद एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताता हूँ। तो दो अहम हिस्टोरिकल फैक्ट्स की मैंने आपसे बात की थी, उसमें एक अहम हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि जब शहनशाह अकबर के बेटे शहज़ादे शलीम, जिनको शेखू के नाम से और शहनशाह जहांगीर के नाम से भी याद किया जाता है, उनकी अपने बेटे खुसरो से बगावत हुई तो उन्होंने अपने बेटे को नाबीना कर देने की सज़ा सुनाई और उनको इस जगह पर कैद किया गया। और यहाँ से शाही किले के दरमियान जो तकरीबन 2 से 3 मील का या 2.5 किलोमीटर का सफ़र बनता है, उनके खुसरो के साथ जो जर्री बहादुर सिपाही थे 300 के करीब, उनको भी रास्ते में लटका कर सजा दी गई और यहाँ से उनको ले जाकर शाही किले में नाबीना कर दिया गया। इसी मौके पर शहनशाह जहांगीर ने एक बड़ा तारीखी फिक्रा बोला कि बादशाह किसी के रिश्तेदार नहीं होते। दूसरा हिस्टोरिकल फैक्ट ये है, पता नहीं ये हिस्टोरिकल फैक्ट है और इसमें कितनी सच्चाई है, ये बोटानिकल के जो एक्सपर्ट हैं वही लोग बता सकते हैं। आपको जो मेरे पीछे बिल्कुल एक बड़ा पेड़ नज़र आ रहा है पीपल का, कहा जाता है कि ये 500 साल पुराना है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, इसका जब तक कोई साइंटिफिक एविडेंस ना आ जाए पता नहीं लग सकता, लेकिन देखने से ये पीपल का दरख्त काफ़ी ज़्यादा पुराना मालूम होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा ये दरख्त है। यहाँ देखने से वाकई ये बहुत बड़ा दरख्त लग रहा है, कैमरे में शायद इतना बड़ा आपको फील ना हो लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, इसके तने बहुत बड़े बड़े हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो मेंशन करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो जो वीडियो में कमी नज़र आई है वो भी मेंशन करें ताकि उसको फर्दर वीडियो में इम्प्रूव किया जाए। अल्लाह हाफिज़।